Recording in progress. तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे के बारे में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पहले सवाल करेंगे फिर ट्राई करेंगे। तो एक चीज जरा समझो, ये टॉपिक कुछ यहां से स्टार्ट हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही था ना, ब्लॉक डिफाइन हुआ था, ब्लॉक केमिस्ट्री, इसी का तो प्रोडक्ट था कि भाई एस ब्लॉक है, कि पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, कि एफ ब्लॉक है, यही से तय हुआ था। इसी में से हम लोग कहते हैं कि सिमिलर एटॉमिक, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले को एक साथ लिखते हैं तो प्रॉपर्टी जो होता है वो पीरियोडिक हो जाता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक तो एटॉमिक साइज, कभी कभी एटॉमिक ना करके आयनिक साइज, इलेक्ट्रॉन निकलना कितना डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना कितना आसान, और दोनों को मिला के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सब बात किन चीजों पे निर्भर करता था, ये सब निर्भर करता था मेनली जेड इफेक्टिव पे, मेनली जेड इफेक्टिव पे, नंबर ऑफ सेल्स पे, और टाइप ऑफ वैलेंस और इनर ऑर्बिटल, इसी पर निर्भर करता था। और भी कह सकते हो कि हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला भी एक रोल प्ले करता था, हाफ फील्ड फुली फील्ड, यही कहानी चल रहा है। ये कहानी तुम जो नोट्स लिखते हो उसमें मुझे कुछ भी यकीन नहीं, क्योंकि हम भी अपने टाइम में केमिस्ट्री का पूरा नोट्स बनाए, पूरा पूरा नोट्स आज भी मेरे पास है ना, आज भी रखे हुए अपने लाइब्रेरी में, है ना। नंबर कितना आया था, 6 नंबर 8 नंबर केमिस्ट्री, 60 नंबर केमिस्ट्री बोले, है ना। अटेम्प्ट हम 12th के बाद हम 2 अटेम्प्ट किए थे, तो केमिस्ट्री जो था ना, केमिस्ट्री में हमको कुछ भी समझ में नहीं आता था। हाँ, फिजिक्स में नंबर में 48 नंबर, मैथमेटिक्स में 60 नंबर में, सब मिला के 90 नंबर था मेरा, जैसे 35-40 आया होगा, इसमें केमिस्ट्री में कुछ भी नंबर नहीं, नोट्स मेरे पास तीनों का बना हुआ था, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और मैथमेटिक्स का भी। तो मेरे टाइम पे ऐसा रहता था कि जैसे तुम लोग कैसे भी तैयारी शुरू कर देते हो, 11वीं में ही अच्छा तैयारी कर रहा है और 9वीं 10वीं में ही कोई तैयारी शुरू कर देता है, मेरे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। मेरे टाइम पे 11वीं 12वीं में कोई IIT तैयारी नहीं करता, 11वीं 12वीं करने के बाद IIT तैयारी शुरू करते थे, ऐसे करके गांव गाँव का रहने वाले सब बच्चे कहाँ पे इतना कुछ अवेयरनेस, अब ना होगा IIT सब जप रहा है माला IIT क्लास 1 से, पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि अपने से ढूंढो, परीक्षा पास करो, माता पिता को बोलो कि ये फी भरना तो भर देंगे, वो थोड़े तुम्हारा कोचिंग में एडमिशन करवा जाएंगे, ऐसा नहीं था। केमिस्ट्री मेरा कुछ भी नहीं, हल्के में तो नहीं लगा ना हमको कि अब आपके बच्चे पढ़ा रहे हैं, अपने तो कुछ आता नहीं था, बाद में सीख गए। तो हम केमिस्ट्री को ना नोट देते, कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे, कुछ समझते नहीं थे, तो नोट्स तो बना हुआ था, नंबर नहीं आता,
फिजिक्स में पूरा इन्वॉल्व होते थे, सब सवाल कराते थे, सब सोचते थे, बहुत सोचते थे, सब बन जाता था। हम तुमको एक ही बात बोलना चाह रहे हैं कि तुम दिमाग में दौड़ रहा हो, पैसिव लर्निंग बहुत खतरनाक है। हम पढ़ाते भी कभी कभी है ना, है ना, मेरा कोई भी दूसरे बैच में पढ़ाया होंगे, इस बैच को कोई नोट्स मिलता ही नहीं, पिछले साल पढ़ाया तो वो भी नोट्स इस नोट से कुछ मिलता जुलता है। हम अपने मन से पढ़ाते, हम कभी कभी कोशिश करते हैं कि जैसे उसमें सिस्टमेटिक थोड़ा अच्छा नोट आता है, जैसे मान लो कि हम प्रीवियस ईयर नोट्स के हिसाब से पढ़ाएंगे ना तो और अच्छा तुमको कंफर्टेबल लगेगा, लेकिन हम डेड हो जाएंगे। तो नहीं कथा वाचक नहीं होता, कथा सुनाते सुनाते सो जाता है, लेकिन एकदम कहानी सुनाता सच्ची घटना एकदम और तेज हो जाता है उसका आवाज ऐसे बोलते बोलते बोलते, एक्टिव है। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। तो पैसिव लर्निंग बेकार है, तुम जो नोट्स बनाते हो ना पैसिव लर्निंग, दिमाग में जो बात घुसता है ना अभी जो बोल गए तुम सब एक्टिव हो, तुम आंखें से खुला आंखें और थोड़ा देर पढ़ाना शुरू करेंगे मोड में चला जाता। तो पूरा का पूरा गेम नहीं है कि पूरे क्लास में तुम कितना देर एक्टिव रहते हो, पहले तुम्हारा ही रोल नहीं एक्टिव रहने, हमारा रोल भी बीच बीच में जगाना, बीच बीच में डिबेट करना, बीच बीच में खींचना अपनी तरफ से भी बहुत तरीका होता है। तो जो एक्टिव मोड में रहोगे ना वही लर्निंग होता है, पैसिव वाला ऐसे खाली की किताब कागज में लिखा हुआ नोट्स और पढ़ा दी। तो हम फिर से वापस आ रहे हैं किसमें, पीरियोडिक टेबल में, जेड इफेक्टिव एन का वैल्यू, जेड इफेक्टिव एन का वैल्यू, टाइप ऑफ बैलेंस, इनर इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड, फुली फील्ड, एक और बीच में आ जाता था कौन सा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता था ना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी आता था और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी आता था ना। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन उतना महत्व नहीं होता जितना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का तो कुछ बात ही नहीं क्योंकि आगे कोई एलिमेंट ही नहीं। तो इन सबके बेसिस पे हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े, आयनाइज एनर्जी से कई खबर मिल जाता है मेटल है कि नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से भी खबर मिल जाता है मेटल है कि नॉन मेटल है। आयनाइज एनर्जी 1, 2, 3 देख के तो पता चल जाता है कि ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, 1 और 2 के बीच में हाई गैप हो गया मतलब ग्रुप 1 का एलिमेंट है, 2 और 3 में हाई गैप हो गया मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट है। समझ में आ गया सर? तो अभी हम लोग देख रहे थे इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे, हम लोग ये कह रहे थे कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक है और मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक है, यही ना। ये सभी चीजों के बेसिस पे हम लोग इतना सारा चीज पढ़े। अभी इन सब में महत्वपूर्ण बात आयनाइज्ड एनर्जी का तुमको पता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो रिलेटिव टर्म है, इसी पे बेस्ट सवाल होगा ना, सब सवाल एक करके करते हैं। निकालो जरा सा, दिख रहा है ना? बराबर सवाल
तुम लोग सुन रहे हो क्या ऑनलाइन? यस 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 सर। डाउट भी है सर। एक्सरसाइज टू करना था ना। पार्ट वन में कोई डाउट है तो पूछ लो। 10 नंबर सर। सर क्वेश्चन नंबर 10। एक मिनट रुक जाओ सर। 11। एक मिनट रुक जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है किसी ने। सर 11 नहीं 4 पूछा ना किसी ने। 13। एक मिनट रुक जा, पहले हम सबसे पूछ लेते हैं। बातचीत मत करो। एक्सरसाइज नंबर 2 पार्ट 1 में अपना अपना डाउट बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में। 13 4, 7, and 10 5, 8 और कोई 14। अरे क्वेश्चन 1 to 10 और 60। बचपन में क्लास 1 नहीं पढ़ा लगता। 16 से 20 16 और चलो एक ही सवाल है तो हम पहले बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। अरे बात तो करोगे तो फिर डांट देंगे। बात नहीं करना, जो कुछ करना कर सकते हो, सोना है सो। बात नहीं, बात करने से दूसरा डिस्टर्ब होता है। तुम सभा में बैठो। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? न्यूक्लियस और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन जो इसको
रिपल्सन क्रिएट जिससे होता है उसी को ना स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। हीलियम प्लस में होगा क्या? हीलियम प्लस में कोई इनर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा? इसमें तो जो जेड इफेक्टिव है वही जेड होगा क्या? जेड माइनस सिग्मा और सिग्मा का वैल्यू जेड जीरो हो जाएगा। लिथियम प्लस टू, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम थ्री प्लस, तो आंसर डी हो नहीं हो जाएगा? इतना हल्का सवाल क्यों पूछता है? अगला सवाल है पांच नंबर। बेवकूफ फिर कौन बात कर रहा है? डांटेंगे, डिस्टर्ब करो, क्लास से निकाल देंगे। ये रूल नहीं समझ में आएगा, जब गेट के अंदर घुस गया ना तो मुंह एकदम चलाओगे तो तुम बोलोगे, समझो कॉन्सेप्ट, तुम बोल रहे हो अपने बगल वाले को, पर वो तो साउंड है ना, साउंड तो क्या होगा, वो तो प्रोपागेट होगा पूरा, सबको सुनाई पड़ेगा ना, इसी को तो क्या होगा, अनवांटेड साउंड क्यों सुनेगा, तो डिस्टर्ब होगा। ऐसे बात की बात वैसे किसी से बहुत अर्जेंट करना है तो लिख के पूछ लो। अरे बेवकूफ, ये तो कोई देखेगा तब ना उसको पता चलेगा, नॉइस क्रिएट नहीं होगा ना इससे, ये सब जानते ही नहीं तुम लोग, ग्यारहवीं क्लास में पहुंच गया, स्कूल में सिखा रहे हैं सब। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट जेड, तो क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, एफ माइनस है, इन तीनों में जेड इफेक्टिव हाईएस्ट किसका होगा? देखो ऑक्सीजन और एफ माइनस, इसका जेड का वैल्यू है कितना, आठ, और इसका जेड का वैल्यू है नाइन, इसका इलेक्ट्रॉन है कितना, आठ, और इसमें इलेक्ट्रॉन है कितना, दस। देखो जेड इफेक्टिव इसका कितना होगा जरा बताओ, तो जेड इफेक्टिव होगा जेड माइनस है ना, इसका होगा आठ माइनस सिग्मा ड्यू टू एट इलेक्ट्रॉन्स, और इसका जो जेड इफेक्टिव होगा नाइन माइनस सिग्मा ड्यू टू टेन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां देख रहे हो आठ की जगह दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इधर तो एक ही बढ़ा है, इधर कितना बढ़ा, इधर तो एक ही बढ़ा है, इधर दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो दो इलेक्ट्रॉन का सिग्मा तो ठीक ठाक होगा। तुम क्या कहेंगे कि जेड इफेक्टिव ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए किससे? हाँ, खाली फ्लोरीन का था तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा एफ माइनस से, और क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन तो फ्लोरीन इसके नीचे होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव फ्लोरीन से भी ज्यादा क्लोरीन का, और फ्लोरीन का खुद ही ऑक्सीजन से ज्यादा था, तो हाईएस्ट नहीं होगा क्लोरीन का। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कितना था, सात नंबर है ना सर? आंसर नन ऑफ दिस दिया हुआ था। अच्छा आंसर नन ऑफ दिस दिया हुआ, क्या सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट हायर जेड इफेक्टिव, अच्छा हायर जेड इफेक्टिव देन फ्लोरीन लिखा है, हमने पढ़े का हाँ, तो क्लोरीन तो होगा उससे, फ्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन से एफ माइनस ज्यादा नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, क्लोरीन का होगा, हाँ जेड इफेक्टिव क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन से, हाँ सही है, वो गलत आंसर दिया हुआ है। सात नंबर, देखो सात नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सो प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सो करेगा, जिसके वैलेंस में सात इलेक्ट्रॉन होगा वही ना, मैग्नीज के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है, सात इलेक्ट्रॉन, अठारह होता है ना इसके पास वाला, फ्लोरीन का कहां से सात होगा, फ्लोरीन में तो वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है, सात इलेक्ट्रॉन,
इन्हें सातों निकाले तो नॉन मेटल है ना, ये तो क्या करेगा, एक लेना पसंद करेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेटस में होता है। इंडियम का क्या है और नाइट्रोजन का भी नहीं होगा, इंडियम किसके नीचे है, गैलियम के नीचे है, गैलियम एंड इंडियम, इसमें भी तो वैलेंस शेल में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन होता है, सात कहां से पहुंचेगा, आंसर एम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 8 नंबर और 10 नंबर, 8 नंबर, हाँ 8 नंबर जो सवाल है ना वो इनर्ट पेरिफेक्ट का है आज पढ़ाएंगे, और 10 नंबर कर सकते हैं। The following five anions are arranged in order of decreasing ionic radius. The correct sequence is. अब देखो जरा, सेलेनियम है 2-, आयोडीन है I-, Br-, O2- और F-। आयनिक रेडियस का निकालना है, आयनिक रेडियस। ये बताओ, ऑक्सीजन के बाद होता है फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन और तब आयोडीन, इसके बाद सल्फर, सल्फर के बाद तब सेलेनियम होता है, यही ना एलिमेंट्स का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। कौन कौन तुम्हें से हॉस्टल में रहता है, पीछे वाला हॉस्टल, 1, 2, 3, तीन ही लोग हैं। अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड सेलेनियम। अब देखना जरा सा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में O2- और F- है, दो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इसका जेड का वैल्यू 8 और इसका जेड का वैल्यू 9 है, जिसका जेड ज्यादा होता था उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन मजबूत होता था और वो छोटा हो जाता था, तो हम क्या कहेंगे कि O2- is greater than F-, ये बताए हो गया, और टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो F- से बड़ा हो जाएगा ना, I- बड़ा होगा Br- से और Br- बड़ा होगा Cl- से और Cl- बड़ा होगा F- से, ये भी तय है। दूसरा, सेलेनियम 2- एंड Br- है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इसका जेड है 35, इसका जेड है 34, तो क्या होगा, Br- छोटा होगा क्या Sc2-, तो देखना ऐसे हम प्लेस करना चाहते हैं, O2- बड़ा है F- से और F- से बड़ा है Cl- से बड़ा है Br- से बड़ा है I- और Br- से बड़ा Ac2-, तो Br- से बड़ा है Ac2-। अब देखना Br- से कौन कौन बड़ा है, Br- से I- भी बड़ा है और Ac2- भी बड़ा है, अरे कि नहीं, अब इन दोनों में कौन बड़ा है तो पता ही नहीं, ठीक है, फिर Br- से छोटा है Cl-, Cl- से छोटा है F- और F-, लेकिन F- से बड़ा है O2-, तो F- अब Cl से बड़ा है कि नहीं, ये कैसे पता करोगे, बहुत मुश्किल है ना, ऐसे केस में हमको थोड़ा सा ऑप्शन देखना पड़ेगा। जरा देखो, तो डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस की अगर बात हो रही है, तो डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस में ये तो गलत हो गया ना, कौन सा, बी वाला और सी, अरे O2- सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा तो कौन है, F- है ना,
ठीक है, तो अब हो गया कौन सा ए और डी में से, एफ माइनस ओ टू माइनस। अच्छा ए सी टू माइनस में और बी आर माइनस में कौन छोटा है, बी आर माइनस, ए सी टू माइनस बी आर माइनस यहाँ पे हो ही गया, आई माइनस से बी आर माइनस एफ माइनस, आई माइनस से बी आर माइनस एफ माइनस। अब ए सी टू माइनस, हाँ अब ए सी टू माइनस, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, मतलब जब तक डेटा नहीं देख सकते नहीं बता सकते। एक चीज का हमको थोड़ा सा गेस लग रहा है कि बी आर से जो आयोडीन साइड है ना बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता होगा, लेकिन ये बी आर माइनस ए सी टू माइनस बहुत ज्यादा होगा, तो हमको लग रहा है कि आंसर यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये कौन सा सवाल हो गया, क्वांटिटेटिव सवाल हो गया। क्वालिटेटिवली क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ जा रहा है कि एसी टू माइनस में यही आंसर है, डी आंसर है, आई माइनस बड़ा है एसी टू माइनस से। एक बार देखो, जरा देखोगे उसमें टेबल बनाए थे जिसमें सबका साइज लिखा हुआ था, लेकिन तो माइनस में साइज नहीं लिखा होगा ना आयंस का। देखो ये क्या है, आयोडीन का 133 था और सेलेनियम का 117 था, सेलेनियम 2 माइनस का क्या साइज होगा ये कैसे पता चलेगा। सेलेनियम 2 माइनस का 198, हाँ ठीक है, सेलेनियम 2 माइनस आई माइनस से छोटा है, देख रहे हो कितना का अंतर है, 198 और 220 अंतर तो ठीक ठाक है, लेकिन इसमें हम लोग जो भी रूल जानते हैं, और रूल क्या है, टॉप टू बॉटम जानते हैं और नहीं तो लेफ्ट टू राइट जानते हैं और नहीं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जानते हैं, तीनों रूल फेल हो गया। ये सवाल बेसिकली पूछना भी चाहिए था तो ऑप्शन ऐसा देना चाहिए था जिससे हम कंपेयर कर लेते, पर आई माइनस और बी आर ए सी टू माइनस का देखने का कोई तरीका नहीं था। आंसर डी है, सही है, पर वो हम लोग क्वालिटेटिवली पता नहीं कर सकते थे। चलिए तो ये हो गया 10 नंबर, 10 के बाद कौन सा था, 10 के बाद क्या आ रहा, क्यों बात कैसे, क्यों बोला, क्यों बोला, मतलब जब रूल है क्लास में नहीं बोलने का, क्यों नियम तोड़ा, फाइन लग सकता है, और जब ये बोला तो तुम रिप्लाई करके तो मना कर सकता था कि तुम्हारी गलती है हम नहीं बोलेंगे, नहीं किया तुमने इसको, नहीं बोला, तुम नहीं बोला, अच्छा ये बोला और तुम नहीं बोले, हाँ रविरंजन तो बदमाशी करता है, ऑफलाइन तो तुमको नहीं पकड़, ऑनलाइन तो नहीं पकड़ पाते थे तुमको, या तुम मेरे कस्टडी में हो। चलो 11 नंबर सवाल, ध्यान रखना आगे से सही होता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मैग्नेट सो मैक्सिमम रेडियस, अरे ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट का सवाल है, MnO2 में Mn प्लस 4 में है ना, और यहाँ पे प्लस 7 में है, और यहाँ पे प्लस 2 में है, और यहाँ पे Cn का माइनस 1 होता है, माइनस से और प्लस 3, तो Mn प्लस 3 में। D वाला जरा कॉम्प्लेक्स बॉन्ड है, जरा देखना K3 MnCN6 है, CN का माइनस 1 होता है, पोटेशियम का प्लस 1 होता है, मैग्नीज का अगर X हो गया तो प्लस 1 इंटू 3 प्लस X माइनस 1 इंटू 6 मिलकर 0 होना चाहिए, तो यहां से क्या हो गया, X माइनस 3 का वैल्यू 0, समझ गए, तो सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा वही ना उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा,
सबसे बड़ा रेडियस इसी का होगा ना, आंसर क्या होगा सी, समझ में आ गया। चलिए 11 के बाद कौन सा था, 16 है ना, 14 Fluorine has the highest electronegativity among the NS2 and P5 group in the Pauling scale. Na Pauling scale aur Mulliken scale do tha na. But the electron affinity of fluorine is less than that of the chlorine. Dekho kya keh raha hai ki bhai electron negativity fluorine se zyada chlorine ka nahi hai, fluorine ka zyada hai chlorine se, पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का क्यों है। देखो न्यूक्लियस जो है फ्लोरीन का उसके करीब है ना सेकेंड सेल, और फ्लोरीन का थोड़ा दूर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की बारी है तो फ्लोरीन ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा बेईमान है फ्लोरीन क्लोरीन से। लेकिन इलेक्ट्रॉन आता है तो वेलकम ज्यादा कौन करता है, फ्लोरीन। दूसरे से बेईमानी करने में तेज है कौन, फ्लोरीन। जब इलेक्ट्रॉन आता है उसके पास वेलकम कौन करता है अच्छे से, क्लोरीन। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का जो लार्जर साइज था, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अंदरूनी इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन कम फेस करना पड़ता है। हम लोग पढ़े थे ना साइज, सेकेंड पीरियड एलिमेंट का थर्ड पीरियड एलिमेंट का सेकेंड पीरियड एलिमेंट से बहुत बड़ा होता है, लेकिन फोर्थ पीरियड एलिमेंट का थर्ड पीरियड एलिमेंट से उतना बड़ा नहीं होता है, समझ रहे। तो क्या हो गया, सोलह नंबर ना। Which of the following statement is incorrect? The tendency to attract bonded pair of electron in case of hybrid orbital follow the order sp2. ये थोड़ा आगे का सवाल पूछ लिया इसने। ये सवाल basically हम लोग पढ़ेंगे chemical bonding में। Chemical bonding में। Alkali metals generally have negative value of electron gaining enthalpy. हाँ। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता था ना, जो ग्रुप एलिमेंट है उन सबका पॉजिटिव हो जाता था ना, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता था। सीजीएम प्लस रिलीज मोर एनर्जी अपॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन क्लोरीन। सीजीएम प्लस और क्लोरीन में सीजीएम प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा, कैसे पता करोगे। सीजीएम प्लस जो है वो किस कैटेगरी में आएगा बता दो। देखो पोटेशियम, पोटेशियम रहता मान लो के प्लस और क्लोरीन रहता तो तुम क्या कहते, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या। यहाँ पे भी 17 इलेक्ट्रॉन नहीं, 17 नहीं, हाँ यहाँ पे 17 और यहाँ पे 18 और यहाँ पे 17। तो क्लोरीन से Cl माइनस बनेगा, तो क्लोरीन से Cl माइनस बनेगा तो क्या होगा, P5 से P6 जाएगा है ना, और K प्लस जब K बनेगा तो यहाँ पे
P6 से S1 बनेगा ना, ये तो मुश्किल है। अरे K+ तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा? CgM+ releases more energy upon gain of an electron than chlorine, तो गलत हो गया। क्लोरीन तो ज्यादा होना चाहिए ना, CgM+ तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। The electronegativity value of 2p series element is less than that of 3p series element on account of a small size and a smaller inter-electronic repulsion. Electronegativity value of 2p series element is less than, less थोड़े होता है 2p वाले का, 2p वाले का तो more होता है ना, top to bottom जाते हैं तब तो electronegativity घटता है। हाँ तो पोटेशियम के नीचे ही रुबिडियम होगा, ये तो एक सिमिलर कैटेगरी में आ गया। और क्लोरीन कहाँ है, नॉन मेटल है, कहाँ है सर, मेटल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सीएल का ज्यादा हो, तो क्या हो गया, अल्कली मेटल्स जनरली हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गलत है। CS+ रिलीज मोर एनर्जी, ये भी गलत है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी गलत है। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यही आंसर सही है, लेकिन तुम लोग अभी पढ़े नहीं हुए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। समझ गए, अब पार्ट टू की तरफ बढ़ते हैं। सर इसमें तो इनकरेक्ट ऑप्शन C एक बार फिर से समझाइए। क्या क्या करेक्ट वाला में ऑप्शन सी एक बार फिर से समझाइए ना। ऑप्शन सी में देखो ना, CGM प्लस है ना, CGM प्लस किस कैटेगरी का आएगा, नहीं K+ कैटेगरी का आएगा। और के प्लस और सीएल तो कंपेयर कर सकते थे ना। अरे सीएल क्या था, P5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था और के प्लस P6 था। इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये तो मुश्किल हो गया ऐड करना, इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आसान है ना, P6 बनने वाला है। तो सीएल करके जाना होगा। चलिए पार्ट टू की तरफ बढ़ते हैं। क्या तो बोर्ड पे सवाल नहीं है ना, सवाल तो उस पे है, उस पे नहीं दिखता है, बहुत छोटा दिखता है तो, मालूम है हमको भी, लेकिन आलसी मास्टर। सर 16 नंबर का आंसर डी दे रहा है। अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इनकरेक्ट भी खाली डी ही थोड़े होगा, बी सी डी तीनों इनकरेक्ट होगा। वन ऑप्शन करेक्ट है, गड़बड़ है कुछ। और जो सी ऑप्शन है, CGM प्लस रिलीजेस मोर एनर्जी अपॉन गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देन CL गैस, ये तो सही नहीं है, तो इनकरेक्ट है। CGM प्लस जो होगा ना, CGM प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बनेगा CGM, ये बात तो ठीक है, और क्लोरीन से ऐड करोगे तो बनेगा CL माइनस। अगर हम मान लो पोटेशियम के प्लस में ऐड करते तो के बनता, और CL में ऐड करते CL माइनस बनता, नहीं CL वन माइनस बनना ठीक था। CGM प्लस releases more energy upon gain of electron than CL, गलत है। फिर यहाँ पे एक चीज में ऐसे हो जाता है करेक्ट, जैसे मान लो कि CL माइनस लिखा रहता ना, तो फिर ये करेक्ट हो जाता। CL माइनस का जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही C प्लस का है, लेकिन CGM प्लस का Z वैल्यू ज्यादा है CL माइनस, तो फिर ये मिसिंग होगा ना, करेक्शन कर लो। क्या CL की जगह क्या लिख लो, CL माइनस, तो फिर क्या हो गया, ये सब करेक्ट स्टेटमेंट्स है। कौन कौन सा, वन भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी केवल इनकरेक्ट, CL से CL माइनस करेक्ट।
पार्ट टू। एक मिनट रुक जाओ। चलिए तो पार्ट टू में पहले वोटिंग करवा ले। क्वेश्चन 1 to 5। 1 to 5 में 7 कहाँ आता है? सर क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2। और कोई? और कोई? 5। और कोई? पूछ ही लो ना, 1 और 3 तो बचा है। क्वेश्चन नंबर 6 to 10। फिर क्वेश्चन नंबर 9। 7, 9, 9। 8, 8। 10 में पूछ लो। 10, 10, 10, 10, 10। क्वेश्चन 11 से 15। ग्यारह से पंद्रह, 15, 12, 14, 11, 13, 15। बहुत बड़े बड़े लोग हैं इस रूम में। 16, 17 में? चलो सत्र में डाउट नहीं है। चलिए भाई, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। तो 2 हो ही गया, 4 हो ही गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। क्या करता है? तो 15 तक में खाली 2 छोड़ के सब पूछ लिया। तो अलग अलग प्रॉब्लम है तो इतना पढ़ाने का क्या फायदा हुआ? मान लो कि देखते भी हल्का सवाल को पूछा उसको डांटेंगे। चलिए दूसरा नंबर से शुरू करते हैं। क्या है दूसरा नंबर? एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू, एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू 3D सीरीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज अ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन। मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 5। तब ना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 5 × 2, 5 + 2, 7 × 5√35। यही ना आएगा 5.92। इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का है +3। डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। 3D सीरीज का है, 3D सीरीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना और +3। क्या स्कैंडियम हो सकता है? क्या स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंटीट्यूएंट 3D1 4s2 है? इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 3D0 4s0। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गया, तो स्कैंडियम तो नहीं है। टाइटेनियम होता 3D2 4s2, तो ये भी निकालते 3 इलेक्ट्रॉन, तो बचा था 3D1 4s0। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना रहता? 1 रहता है, भी गलत हो गया। वेनेडियम में सब निकाल लेते तो 1 इलेक्ट्रॉन बचता, 2, ये भी गलत हो गया। क्रोमियम में क्या हो जाता? 3D5 4s1 था ना, इसमें 3 निकालते तो 4s0 हो जाता और 3D कितना हो जाता? 3D3 हो जाता ना।
अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें तीन हो जाता है, तुम्हें चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, पांच। मैंगनीज होते हैं तो मैंगनीज भी होता 3d5 4s2, तो ये 3d4 बचा रहता, तो अभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन चार बचते। आयरन पे आते हैं, आयरन है 3d6 4s2, क्या हो जाएगा 3d5 4s0, एन का वैल्यू 5 हो गया। आयरन तुमको सही लग रहा है? हाँ, आयरन के बाद अगर हम कोबाल्ट देखते तो कोबाल्ट में होता 3d7 4s2, तीन निकालते तो बचता 3d6 4s0। 3d6 में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन चार हो जाता है, पता ही नहीं। निकल लिए होते तो निकल में 3d8 4s2 था, तो 3d7 4s0 होता, यहाँ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन और तीन होता, यही आंसर है। और क्या समझ गया? आयरन, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 26। चलिए दूसरा कौन सा था, चौथा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर जेड इफेक्टिव देन सिलिकॉन एटम, तो सिलिकॉन एटम से ज्यादा जेड इफेक्टिव किसमें किसमें है वो तुमको चुनना है। देखो, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है कौन कौन सा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना। और क्लोरीन के जस्ट ऊपर है फ्लोरीन, सल्फर पर है ऑक्सीजन, इसके ऊपर है नाइट्रोजन, सब एलिमेंट आ गए थे इसमें। सोडियम आ गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन और बचा रहेगा जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव ज्यादा देखना है तुमको, तो जेड इफेक्टिव लेफ्ट से राइट बढ़ते तो बढ़ता जाता है ना, तीनों का तो कम हो गया। तो एक बात तो तय है कि फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन। अब देखना कार्बन से जेड इफेक्टिव सिलिकॉन का ज्यादा है ना, तो कार्बन तो नहीं रहा, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, इधर से इधर बढ़ रहा है, इधर से इधर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे बड़ी मुश्किल है बताना कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन इफेक्टिव सिलिकॉन से ज्यादा है कि कम है। फिर से कैसा सवाल हो गया, क्वालिटेटिव नहीं रहा, अब क्वांटिटेटिव हो गया। फिर क्वांटिटेटिव सवालों में हम लोग नहीं बता सकते। हाँ, फिर तुम जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, जब तुम पी ब्लॉक केमिस्ट्री पूरा पढ़ोगे, तब फिर उसमें कंपेरिजन तुमको धीरे धीरे समझ में आएगा। इस सवाल को भी हम लोग नहीं कर सकते। अब नाइट्रोजन कैसे जाएगा मैं नहीं पता, क्योंकि इससे तो क्या हो गया, इधर बढ़े तो घटा और इधर बढ़े तो बढ़ा, दो बार करके नेट क्या हो रहा है मालूम नहीं। पांचवा नंबर, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोम इज प्लस एन, गिव द वैल्यू ऑफ एन। क्रोमियम का दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक होता है क्रोमियम +3 और क्रोमियम +6। तो क्रोमियम +6 जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, ये भी इन्फ्लेशन बेस्ड है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर फाउंड टू बी एग्जिस्ट, ये पढ़ेंगे इनर्ट पेरिफेक्ट तब समझ में। सात नंबर, द लैंथेनाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूनिफॉर्म प्लस एन ऑक्सीडेशन स्टेट, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +3। एक बार रुको, इसका हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से स्टेबिलिटी चेक होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है, उसमें डेल्टा जी वैल्यू देखते हैं,
और डेल्टा जी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। हम प्लस सिक्स इसलिए बोल रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2O7। अच्छा एक मिनट, K2Cr2O7 जो होता है ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस सिक्स होता है। हाँ ठीक, प्लस सिक्स से प्लस थ्री में जाता है तो कोई रिएक्शन हो रहा है ना अपने तो मोर स्टेबल की तरफ जाता है। तो K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुम जानते हो क्या K2Cr2O7 या KMLO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम प्लस सिक्स में था और जाना चाहता है कहाँ पे, प्लस थ्री में, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ, प्लस थ्री है, प्लस सिक्स नहीं है, तो सही आंसर दिया हुआ है। सात नंबर, the lanthanides are characterized by the uniform plus an oxidation state shown by all the lanthanides. What is the value of n? Lanthanide का oxidation state नहीं बता सकते, lanthanides का oxidation state हो उसका एक information based सवाल हो गया। तो हम अभी वही सवाल करेंगे जिसमें ionization energy, electron affinity, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्चुअल पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें डेटा इन्वॉल्व हो रहा है ना, वो फिर तुम पूरे जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब फिर समझ जाए, ऐसा नहीं कर सकते। आठ नंबर में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन रेट शोन बाय क्रोमियम एंड मैग्नीज आर प्लस सिक्स एंड प्लस वाई, ये तो मालूम है ना क्रोमियम प्लस सिक्स है और मैग्नीज का प्लस सेवन है, ये तो 13 आंसर हो जाएगा। नाइन नंबर, if internuclear distance between a atom in a2 is 10 angstrom and b atoms in b2 is 6 angstrom, then calculate internuclear distance between a and b in angstrom, electronegativity difference between a and b are negligible value. तो क्या होगा, negligible जैसा bond हो था, यो भी bond बनेगा, ये तो क्या है कि a का size 5 angstrom हो गया और b का size 3 एंगस्ट्रम हो गया, तो कितना हो जाएगा आंसर, 8 एंगस्ट्रम। 10 नंबर, रिपोर्ट एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हैविंग लार्जेस्ट साइज अमंग द फॉलोइंग, निकेल कॉपर एंड जिंक, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। निकेल कॉपर और जिंक के लिए हम लोग जानते हैं ना पीरियोडिक टेबल में साइज का जो वेरिएशन होता है लेफ्ट टू राइट जाने में कहते घटता है ना, लेकिन ये डी ब्लॉक के लिए ट्रू नहीं है, एफ ब्लॉक के लिए भी ट्रू नहीं है, ये केवल किसके लिए ट्रू है, एस ब्लॉक और बी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, तो इन सब का साइज में हम लोग ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। 11 नंबर, ये जब भी सवाल अभी हम बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते, ये वाला सब सवाल तो मुझे जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे इसके लिए घेर कर रखता है ना, बाद में फिर आएंगे उस पॉइंट पे। How many of the following atoms have maximum ionization energy than boron? ये तो आसान है, ionization energy. तो boron, helium, sodium, phosphorus, gallium, sulfur. इसमें भी इतना आसान नहीं है, इसमें भी comparison करना कहीं same period और same group का नहीं हो रहा है, एक बार हम check कर लेते हैं। देखो बेरिलियम के बाद होता है क्या बोरॉन, बेरिलियम बोरॉन कार्बन मिसिंग है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के क्या है फास्फोरस, फिर गैलियम किसके नीचे है, एल्युमिनियम के नीचे है गैलियम, और मैग्नीशियम के नीचे किसके नीचे है, बेरिलियम के नीचे है, और सल्फर किसके नीचे है, फास्फोरस के बाद है ना सल्फर। देखो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैव मैक्सिमम या मोर आयनाइज्ड एनर्जी देन बोरॉन, तो बोरॉन से आयनाइज्ड एनर्जी गैलियम का तो घटेगा ना, ये वैल्यू तो हो गया लेस, बोरॉन से ज्यादा होता है बेरिलियम है ना, और नाइट्रोजन का भी ज्यादा होता है, ऑब्वियसली फास्फोरस का भी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये सब नॉन मेटल्स है, सल्फर का भी ज्यादा होगा,
चार तो मिल गया, मैग्नीशियम में आके मामला फंस गया, क्योंकि हम लोग मैग्नीशियम में जब देख रहे हैं तो मैग्नीशियम कैसा है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं क्या, कौन कौन सा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस का भी होगा, सल्फर, सल्फर का भी होगा, एक बार देखते हैं अभी सब क्या हो गया ना, सब टेबल बेस्ड है, मतलब लेफ्ट राइट और टॉप टू बॉटम वाला हम लोग नहीं देख रहे हैं, सब मिक्स करके पूछ दिया है, तो इसमें मिक्स वाले में बहुत थोड़ा सा डेटा का वेरिएशन देखना पड़ेगा। हम ऐसे अंदाजा लगा रहे थे कि ये तीनों जो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर एकदम नॉन मेटल्स, कितना भी जो भी वेरिएशन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थोड़ा सा वेरिएशन आता है, तो हम लोग ऐसे कुछ कर रहे थे कि बहुत दूर अगर चले गए राइट साइड में तो आयनाइज एनर्जी ऐसे ही बढ़ जाएगा। एक बार इसका हम लोग डेटा देखते हैं, हमारे पास टेबल आयनाइज एनर्जी का, देखो यहाँ पे है आयनाइज एनर्जी, कौन कौन सा बोरॉन था ना, तो बोरॉन का वैल्यू है, बोरॉन का वैल्यू 801, बोरॉन का वैल्यू है 801 और बेरिलियम का जो वैल्यू है वो है 899, मैग्नीशियम का जो वैल्यू है वो है 738, ये तो कम हो गया, नाइट्रोजन का जो वैल्यू है वो है 1400, फॉस्फोरस का जो वैल्यू है वो है 1012 और जो सल्फर का वैल्यू है, सल्फर का वैल्यू है 999। हाँ ठीक तो है, सल्फर भी बड़ा हो गया, नाइट्रोजन भी बड़ा हो गया, फॉस्फोरस भी बड़ा हो गया, बेरिलियम भी बड़ा हो गया, तो फिर क्या हो गया आंसर, हाँ गैलियम का भी जरा एक बार देख लेते हैं, तो गैलियम का है, तो गैलियम का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, पर गैलियम तो हम जानते हैं बोरॉन के नीचे ही है ना, गैलियम तो ऑब्वियसली कम ही होगा ना उससे, आंसर हो गया कौन कौन सा, बेरिलियम भी, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, और तो चार आंसर हो गए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैव मैक्सिमम आयनाइज एनर्जी देन बोरॉन, मोर आयनाइज एनर्जी देन बोरॉन, लेस आयनाइज एनर्जी देन बोरॉन रहता तब आंसर दो होता है, कौन कौन सा, मैग्नीशियम और गैलियम, कुछ गलती रहता है ये जो भी कंटेंट है ना उसमें दो चार ऐसे गलत बीच बीच में मिलेगा, तो ध्यान रखना। सर बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा कैसे हो गया, बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा इसलिए हो गया ना कि 2s2 से निकाल रहे इलेक्ट्रॉन और बोरॉन में 2s2 2p1 से निकाल रहे थे ना, हो सकता ना यहाँ पे गैप। Yes, चलो अगला सवाल, बारह नंबर, तेरह नंबर, बारह नंबर, वैल्यू ऑफ आयनाइज एनर्जी 1, आयनाइज एनर्जी 2 एंड आयनाइज एनर्जी 3 of an elements are 9.3, 18.2 and 553.8 electron volt. Predict group number in modern periodic table. So 9.3 से नहीं दुगना हो गया और इस बार तो 20 गुना से भी ज्यादा हो गया, तो नहीं हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन तक तो आसानी से निकल गया, तीसरा बहुत मुश्किल से निकला, तो ग्रुप टू का एलिमेंट 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर A माइनस, A माइनस
टू प्लस का डेल्टा एच दिया हुआ 1100 किलो जूल पर मोल, और ए से ए टू माइनस का डेल्टा एच दिया हुआ है 1200 किलो जूल पर मोल। अब बताओ इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी ऑफ ए होता क्या है? ए में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ए माइनस बनने का, इसी का ना डेल्टा एच पूछा गया तुमसे। तो अभी मान लो कि ए से ए माइनस जाना है, देखना कैसे करेंगे। ऊपर वाले इक्वेशन को पलट के लिखते हैं, ए टू प्लस से ए माइनस, तो इसका डेल्टा एच माइनस 1100 हो जाएगा। अरे पलट देंगे तो डेल्टा एच फाइनल माइनस फाइनल से बदल गया, और दूसरा को ऐसे रहने देंगे ए से ए टू प्लस, इसका डेल्टा एच है 1200, दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं कट जाएगा। ए से ए माइनस जाने का डेल्टा एच कितना हो गया 100, इन वैल्यू हो जाएगा 100। तो क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ ए इज पी इंटू 10 to the power 2, तो पी इंटू 10 to the power 2, तो पी तो 1 हो गया ना, समझ गए। चलिए 15 नंबर 15 तो पार्ट थ्री और पार्ट फोर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमको पढ़ना है इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका जेड इफेक्टिव भी ज्यादा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो दोनों बात पे निर्भर कर रहा है ना। डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, लगभग लगभग बोल सकते हैं। तब देखो जरा सर, इनर्ट पेयर इफेक्ट, उससे पहले देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा कैसा हो सकता है एलिमेंट का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि जैसे सोडियम है तो हम ऐसा सोडियम क्या बनाना चाहेंगे, Na प्लस। तो Na प्लस बनाना चाहे तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे प्लस। लिथियम भी क्या बनाना चाहेगा, Li प्लस, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस। कुल मिला के हम कहेंगे कि जो ग्रुप वन एलिमेंट है, ग्रुप वन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1 होता है ना। ऐसे ही मैग्नीशियम हो तो Mg2 प्लस में बदल जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है। कैल्शियम है तो Ca2 प्लस में बदल जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है। ए ग्रुप 2 एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 होता है।
मान लो ग्रुप 13 एलिमेंट है, तो ग्रुप 13 एलिमेंट में एल्युमिनियम का तो प्लस 3 होता है ना, एल्युमिनियम का प्लस 3 होता है, कैसा था एलिमेंट है ना, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये ना ग्रुप 13 एलिमेंट NS2 और NP1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस शेल का, और ग्रुप 14 होता है NS2 NP2 होता है, तो कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टीन आउटलेट, और ग्रुप 15 एलिमेंट जो है ग्रुप 15 एलिमेंट NP3 होता है, इसमें एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। देखो जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे ये सब एलिमेंट्स ना, ये सब एलिमेंट्स मेटालिक करेक्टर का होने लग जाते हैं, इनफैक्ट यहां से भी थोड़ा थोड़ा मेटालिक करेक्टर हो जाता है, इधर तो ये भी मेटालिक करेक्टर का है, एल्युमिनियम भी, समझ गए। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्या करता है, त्याग का इलेक्ट्रॉन का, तो त्याग करने में कहते हैं कि जो लेड है ना, लेड के वैलेंस शेल में कितना एलिमेंट होगा, लेड है किस पीरियड का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6s2 है और 6p2 है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लेड पहले इस दो का त्याग करता है, तो दो निकालेगा तो क्या बनेगा, Pb+2 ना? लेकिन अगर ये भी दोनों निकाल दिया, ये भी दोनों निकाल दिया तो Pb+4 बनेगा, है ना, कहते हैं लेड का दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, Pb+4 भी और Pb+2। इसी तरीके से टीन का देखोगे तो टीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p2 है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन निकलता है, Sn+2 निकल बनता है, और चार इलेक्ट्रॉन निकलता है तो +4 बनता है ना? टीन का भी और लेड का भी ऑक्सीडेशन स्टेट दो एग्जिस्ट करता है, +2 एंड +4, इन सब का देखना। यहां से ये कौन सा पीरियड चालू हुआ है, फोर्थ पीरियड है ना, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है, +3 भी होता है, इसका +1 +3 +1 +3 और इसका होता है +2 एंड +4 +2 +4 +2 +4 और इसका होता है +3, पांच इलेक्ट्रॉन था, तीन और दो पांच, +3 +5 +3 +5 +3 5, दो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर हम बात करें कि भाई अगर हम Pl का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो, Pb का +2 हो और Bi का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, Pl का, Pb का और Bi का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, Tl का 6s2 6p1 था, 6s2 6p2 था, 6s2 6p3 था। अगर इसका एक ही निकला है तो मतलब केवल यही ना पार्टिसिपेट किया, और दो ही निकला इसका मतलब यही दोनों पार्टिसिपेट किया और यही तीनों पार्टिसिपेट किए, और फिर अगर निकलता है Tl प्लस
3 Pb plus 4 और Bi plus 5, ऐसे केस में क्या होगा? यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा था 6s2, यहां भी 6s2, 6s2, अब यहां पे बचा है 6s0, 6s0, 6s3। अरे शुरू में कैसा था? तो क्या हो रहा है कि अगर ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका एग्जिस्ट करता है, मतलब ये बाहरी इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी निकलना नहीं चाहता है, जो निकलना नहीं चाहेगा वो अनरिएक्टिव हो गया, और जो अनरिएक्टिव हो गया उसको इनर्ट कहते हैं, और जो इनर्ट हो गया अगर वो पेयर है तो उसको इनर्ट पेयर कहते हैं, और इस इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। कहते हैं कि जब भी कहीं NS2NP2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, तो ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू भी होता है और प्लस भी होता है, प्लस टू के केस में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रॉन बन गया, और इसे इनर्ट पेयर कहते हैं, और इस इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। लिखो पहले फिर समझाते हैं। लिख लिया। तो होता क्या है कि अगर हम ग्रुप 13 एलिमेंट देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1 है, तो अगर बोरॉन है तो बोरॉन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 होगा, एल्युमिनियम के लिए भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 होगा,
लेकिन यहां से स्टार्ट हो जाता है, गैलियम के लिए प्लस थ्री भी होता है और प्लस वन भी होता है, आयन के लिए भी प्लस वन होता है प्लस थ्री होता है, और टीएल के लिए भी प्लस वन और प्लस थ्री होता है। देखो यहां से डिफरेंशिएट हो गया, ये अलग दोनों कैटेगरी में चला गया और यहां से अलग कैटेगरी में आ गया। क्यों? ये फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो रहा था, फिफ्थ सिक्स, यहाँ पे 3d10 भर चुका है, 4d10 भर चुका है, यहाँ 5d10 भी भर चुका है और 4f14 भी भर चुका है। इस केस में जेड इफेक्टिव बहुत हाई है, वेरी हाई। इन दोनों केस में भी जेड इफेक्टिव हाई है, जेड इफेक्टिव हाई होने से क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ेगा जोर से। तो यहाँ पे कहते हैं कि इन केसेस में जो इलेक्ट्रॉन है NS2 और NP1, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इनर्ट इलेक्ट्रॉन जैसा काम करने लग जाता है और यही केवल रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसलिए इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन भी चालू हो जाता है ना। और जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम और बढ़ता जाता है, कहते हैं कि TL प्लस वन से इज मोर स्टेबल देन TL प्लस, लेकिन यही अगर गैलियम में देखते तो गैलियम प्लस वन से ज्यादा स्टेबल था गैलियम प्लस थ्री। मतलब टॉप टू बॉटम आया तो जेड इफेक्टिव और बढ़ गया, जितना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा उतना ही एस इलेक्ट्रॉन और पी इलेक्ट्रॉन में अंतर होने लग जाएगा। और एस इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पी इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल नहीं था, एस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा जोर से पकड़ रहा है और पी को कम जोर से पकड़ रहा है। सेम चीज हो जाता है किसमें, ग्रुप 14 एलिमेंट में, ग्रुप 14 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2 है, तो यहाँ पे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है एंड लेड है। जर्मेनियम टीन और लेड में फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू और प्लस फोर होने लग गया, प्लस टू प्लस फोर, प्लस टू प्लस फोर, और फिर कहेंगे पीबी प्लस टू इज मोर स्टेबल देन पीबी प्लस फोर। इन सबका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, प्लस टू वाला रहेगा तो NS2 हो जाएगा और NS2 फिर क्या हो गया, इनर्ट हो गया। इस पेयर को क्या कह रहे हैं, इस पेयर को कह रहे हैं इनर्ट पेयर, और इस इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कह रहे हैं। अभी देखेंगे इसके कुछ कुछ एप्लीकेशन। स्टेबल कैसे किए वो समझ में, कैसे बोलो वो जो स्टेबिलिटी के बारे में बता वो नहीं समझ में आया। अच्छा ये और बताते हैं, सर गैलियम प्लस वन ज्यादा, ये गैलियम प्लस टू ज्यादा स्टेबल है क्या? सर गैलियम प्लस टू ज्यादा स्टेबल है गैलियम प्लस वन से, क्या बोल रहे? फिर से समझ नहीं आ रहा है, सर गैलियम प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल है गैलियम प्लस वन, गैलियम प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल है गैलियम, ऊपर था ना गैलियम प्लस। देखो मतलब ऐसा कह सकते हैं क्या कि इनर्ट पेयर का जो इफेक्ट है वो टीएल पे ज्यादा है एज कंपेयर टू जीए।
अभी रुको एक दो बात और समझाएंगे, समझ जाओ। हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर NS2 NPN इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पैसिक्स में ऑक्सीडेशन और स्टेट N+3 एंड केवल N है ना, N+2 एंड N है, ये है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और ये है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कहते हैं फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NPN है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस N होता है, किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप जैसे हम तुमसे कहें कि जर्मेनियम +2 है और SN +2 है और लेड +2 है, यही ना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसमें रूप नीचे जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इसी तरीके से इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 टीन +4 पीवी +4, ये टॉप टू बॉटम जाएंगे तो स्टेबिलिटी घटेगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव बढ़ने से एस और पी इलेक्ट्रॉन में अंतर ज्यादा होने लग जाता है अट्रैक्शन का। समझ में आ गया? देखो अभी इसका क्या, लोगों ने देखो ये सब थ्योरी कहां से निकालते हैं लोग, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन अपने आप हो जाते हैं। जैसे देखना, ऐसा देखा गया कि PbO2 अपने आप PbO प्लस हाफ O2 में टूट जाता है, अरे यहाँ ऑक्सीजन का -2 होता तो लेड नहीं था +4 में, और यहाँ -2 है तो लेड पहुंच गया +2 में, तो लेस स्टेबल रहा होगा तब ना ये पहुंच गया अपने आप मोर स्टेबल में। लेकिन यही जर्मेनियम O2 इसमें नहीं बदलता है, SnO2 थोड़ा हीट करेंगे तब SnO में बदलता है। समझ में? क्या बोलो?
इनर्ट पेयर इफेक्ट को एक बार फिर से डिफाइन कर दीजिए ना। हाँ फिर से करते हैं, पर कैमरा क्यों बंद की हुई हो? देखो हम कह रहे हैं सिंपली कि कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो NS2 NP1 था, हाँ केवल P ब्लॉक पे काम करता है। क्यों P ब्लॉक में काम करता है? क्योंकि D का पुअर शील्डिंग तो हो जाएगा तब ना P आएगा। तो NS2 NP1 है, इसका एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या तुम सोच रहे हो? प्लस थ्री है ना, पर एग्जिस्टेंस ऑफ प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कह रहे हैं कि अगर जेड इफेक्टिव बहुत हाई हो जाए तो ऐसे में एनएस टू इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, यही ना कह रहे हैं, और इसका इनर्ट होने का टेंडेंसी और बढ़ेगा जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे। तो जो लेड है, लेड का प्लस फोर ज्यादा अच्छा रहना पसंद करेगा, प्लस टू प्लस टू क्या? यही इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अब सब सवाल बना सकते हो, एक तरीके से चैप्टर खत्म हो गया, अगले क्लास में इसका थोड़ा सवाल करेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर। हाँ अब F1 क्लास का कौन कौन है इसमें? F1 बैच का 1 2 3 इसमें ऑनलाइन में 1 2 3 4 5 हाँ। तो तुम लोग अगर कोई दिक्कत ना हो टाइम टेबल का, स्कूल नॉन अटेंडिंग हो उसमें भी कैसे क्लास कर सकते हो, और दिक्कत होगा तो फिर अपने बैच में नया चैप्टर चालू होगा तो उसमें सेव कर देना।